स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत मानती हूँ, उन्होंने बोला था कि इंसानों पे भरोसा कभी उठा इंसानों से भरोसा कभी उठाना नहीं चाहिए, भी इंसानों पे भरोसा करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत पहले भी बहुत बार मैं इंसानों को भरोसा करके मैं ठग चुकी हूँ। किसी लोगों पे विश्वास करने से पहले प्रैक्टिकल हो जाओ, इमोशन पे मत चला करो, दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज का जो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ ये डॉग रिलेटेड नहीं है, ये मेरे फाइनेंशियल रिलेटेड है। और एक्चुअली आप लोग जानते हो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा कोई कमाने का ज़रिया नहीं है, फिर भी मैं और बहुत से मेरे घर में 7 डॉगीज हैं, अभी 2 बिल्लियाँ हैं, एक मेरी खुद की और एक पड़ोस की, उसको भी मैंने स्टेरिलाइज कराया है, इसीलिए वो अभी मेरे घर पे ही वो रह गई है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आपको चेक कर लेना। तो अभी 7 डॉगी है, 2 बिल्ली है, और बाहर के 3 डॉगी को भी मैं 2 वक्त खाना देती हूँ, वो लोग भी आते हैं, और काफ़ी सारे रस्ते के इधर उधर के केसेस भी मेरे आते रहते हैं जिनकी मैं ट्रीटमेंट, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन सब कुछ मैं करती हूँ। चिंटू, तो ये सब करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, सच ये है, जिसके लिए मैंने ये चैनल खोला है। लेकिन अभी भी इस चैनल में आप लोग जानते हो कि कुछ ज़्यादा कुछ व्यूअर्स नहीं है, कोई व्यूअर्स सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा चलता कैसे है, अब बात यही आती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, जो लोगों ने नहीं देखा मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ, मेरा चलता इससे है कि मेरे पापा का एक फ्लैट था, है अभी भी, पापा नहीं रहे, फ्लैट है, तो उस फ्लैट को किराए पे मैंने दिया है। तो वो किराए महीने मुझे 8,000 रुपये आते हैं, उस किराए का जो पैसा, पूरा पैसा मैं इन लोगों के ऊपर खर्चा करती हूँ, तो इसी से चलता है। और इसकी वजह से ही, क्योंकि मैं इतने, मतलब हर महीना 8,000, आप लोग सोच लो साल भर में 12-8,000 कितना होता है, बहुत सारा पैसा, तो इतना सारा पैसा मैं इन लोगों पर खर्चा करती हूँ। और इसके लिए मैंने कभी, मुझे अफसोस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को अफसोस है कि इतना पैसा मैं खर्चा करती हूँ लोगों के ऊपर, सब चाहते हैं ये काम मैं बंद कर दूँ, जैसा होता है नॉर्मली, मैं नहीं बोल रही कि ये कोई अबनॉर्मल बात है, सबके लिए पैसा मायने रखता है, मेरे लिए भी रखना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए इन लोगों की दुख ज़्यादा मायने रखती है, ताकि मैं इन लोगों को दुख दूर कर सकूँ, खुशी दे सकूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने है, यही डिफरेंस है दूसरों में और मुझ में। तो जो भी हो, वो फ्लैट को मैंने किराया दिया था, वहाँ का सारा पैसा इन लोगों का खर्चा होता था। तो लास्ट टाइम 2 महीने पहले मेरा जो पिछले का टेनेंट, वो 4.5 साल मेरे घर पे रहे, मेरे फ्लैट पे वो किराएदार थे, हर महीने वो टाइम से मुझे किराया दे दिया करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वो लोग टाइम से पेमेंट कर देते थे, और व्यवहार भी बहुत अच्छा था, मुझे दीदी दीदी करके पुकारते थे, एज़ इफ़ आई एम हिज ओन एल्डर सिस्टर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे अच्छे शरीफ इंसान मेरे फ्लैट पे रहते हैं, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि आपका फ्लैट मैं ऐसे केयर करूँगा जैसे कि मैं अपना घर को अपना करता हूँ, तो ऐसे करके बोला। और ऊपर से मैं 4.5 साल में, बीच में कोविड भी आ गया था, तो जो भी हो, किसी भी वजह से जो नियम के अनुसार मैं जो हर साल 10% करके किराया इंक्रीज़ होना चाहिए था, वो भी मैंने नहीं किया। मेरा जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा एरिया है, मैं वो अगर किराएदार निकल भी जाता, मैं बहुत सारे किराएदार वहाँ पे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन वो जगह का बहुत अच्छा है कोलकाता में, वो जगह का किराएदार मुझे ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती, फिर भी मैंने उन लोगों को कभी हटाया नहीं, मैंने किराया बढ़ाया नहीं, मुझे लगा कि इंसान अच्छा है तो कोई बात नहीं है, टाइम से मेरा किराया भी दे देता है, व्यवहार भी अच्छा है। तो जब ये 2 महीने पहले मुझे बोला कि हम लोग ने फ्लैट खरीद लिया, हम लोग अभी चले जाएंगे, तो मैंने सोचा ठीक है चले जाएंगे, तो मुझे बोला कि हम लोग, क्या नियम होता है कि मैं जब किराया देती हूँ 2 महीने का एडवांस ले लेती हूँ, और 1 महीने का शुरू से, मतलब जो महीने से रहेगा उस महीने का शुरू में ही जो एडवांस, तो वो भी ले लेते हैं। तो क्या होता है, 2 महीने का एडवांस इसलिए लेते हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से,
ताकि फ्लैट में अगर कोई गड़बड़ की हो, कुछ किया हो, तो वो बाद में हम लोग उस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के साथ हम लोग एडजस्ट कर ले, और अगर गड़बड़ी नहीं किया हो तो वो पैसा जब वो लोग चले जाएंगे तो हम लोग उसको लौटा देंगे। तो इस हिसाब से हम लोग लेते हैं। ये हर जगह के नियम सेम ही है हमारे यहाँ, तो वही नियम था। मैंने 2 महीने मतलब 16,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था, तो इन्होंने मुझे बोला कि हम लोग चले जाएंगे दीदी, तो 1 महीने का हम किराया नहीं देंगे, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप एडजस्ट कर लो। नियम ये था कि मैं उन लोग के जाने के बाद ही एडजस्ट करूँ, लेकिन क्योंकि इन लोग की व्यवहार बहुत अच्छा था, रिकॉर्ड अच्छा था, मुझे लगा कि ये लोग मेरा फ्लैट का बहुत अच्छे से ध्यान रखे हैं, तो इसीलिए मैं गई भी, कई बार गई भी फ्लैट में जब वो लोग थे, लेकिन इतने सारे सामान और इतने छोटे बच्चे भी उनके हैं, तो उतना मैंने ध्यान से किसी भी चीज़ को मैंने देखा नहीं। अगर कोई रहता है तो बाथरूम में जाके झांकना, घर में जाके झांकना, वो मुझे हम लोग का थोड़ा शरीफ लोगों को मैं थोड़ा हिचकिचाहट होती है, मुझे भी है, तो मैं इतना माइन्यूटली मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया कि वो लोग सच में कितना अच्छा ख्याल रखा मेरे फ्लैट का। तो मैंने बोला ठीक है, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो आप तो अच्छे आदमी हो, आप दे ही दोगे। तो मैंने बोला ठीक है, 1 महीने का मत दो। तो 2nd महीने में भी वो लोग किराया दिया और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 महीने का सिर्फ मेरा जो था 2nd महीने का भी वो नहीं दिया, सॉरी मैं भूल बोला, 2nd महीने का भी नहीं दिया, मतलब 2 महीने के सिक्योरिटी डिपॉजिट वो नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो 2nd महीने के 7 तारीख को वो निकल गए। तो मैंने बोला कि मैं पूरा वो रख लूँगी, तो उसने बोला कि नहीं नहीं आप पूरा मत काटो, आप वो आधा काटो, क्योंकि मैं 7 तारीख को निकल गई, तो भले ही वो मुझे 12 तारीख को वो चाबी मुझे मिली, फिर भी वो मुझे बोला कि आप पूरा महीने का मत काटो। मैंने ठीक है आधा महीने का ही काटेंगे। तो ऐसी बात हुई, लेकिन जब वो लोग चले गए और मुझे फ्लैट का चाबी मिला और फ्लैट के मैं अंदर गई, तब मेरा फ्लैट की हालत देख के मैं दंग रह गई। आप लोगों को मैं कुछ फ़ोटोज़ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये मेरा टॉयलेट का हाल है, हाल किया था, ये किचन का हाल है, फ्लोर पूरा काला हो चुका था, मोज़ाइक फ्लोर था, पूरा काला हो चुका था, दीवार में बच्चा था, उसने बहुत डैमेज किया दीवार को, काफ़ी जगह पे रंग उठा दिया मेरे, मैंने बहुत जो मैंने कलर किया था बहुत अच्छा कलर किया था, वॉश करने से वो ठीक हो जाता था, मतलब 10 साल वो कलर के गारंटी था, लेकिन ऐसी हालत की कि वो ऐसी हालत की कि मतलब दीवार में काफ़ी जगह सेलोटेप्स लगाए, फिर कीले डाले हैं, फिर बच्चे के ने पेन से, फिर कलर वैक्स पेंसिल से बहुत जगह कलर किया, जिसकी वजह से मतलब वॉश करने से भी वो वॉल का कलर ठीक नहीं होने वाला था। और बाथरूम और किचन की तो मैं आपको लोगों को फ़ोटो ही दिखा रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ। और दूसरा मैंने मेरे पास 2 बाथरूम था, दूसरा जो टॉयलेट था उसको तो यूज़ ही नहीं किया, वो बिना मेंटेनेंस 4.5 साल उसका पैन पूरा ख़राब हो गया, मुझे नया पैन लगाना पड़ा और पूरा घर को फिर से दोबारा मुझे कलर करना पड़ा, किचन बाथरूम ये सब फ्लोर मोज़ेक सब कुछ साफ़ करना पड़ा अलग से, स्पेशल डीप क्लीनिंग मतलब बाथरूम और किचन को अर्बन कंपनी से साफ़ कराया है मैंने, फ्लोरिंग को अलग से लोग बुला के उसके लिए अलग से मुझे पैसे लगे 3,000 रुपये फ्लोरिंग को क्लीन कराने के लिए। तो बहुत सारे डैमेजेस मेरे फ्लैट को उन्होंने किया। ये वो पैन पूरा ख़राब हो गया था, ये नया पैन और नया जेट सब कुछ ये लगाया गया, इसके पीछे 6,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि ये पैन पूरा ख़राब कर दिया था उन्होंने, मतलब यूज़ नहीं करके ख़राब किया था ये वाला बाथरूम। ये बाथरूम को अर्बन कंपनी के द्वारा क्लीन कराने के बाद ये देखिए सारा टाइल्स वाइल्स सब कुछ फिर से क्लीन कराया गया, थोड़ा सा ढंग का अभी लग रहा है। ये एक स्टोरेज था हम लोग के फ्लैट के ऊपर में, तो वहाँ पे जब मैं कलर कराने गई तब देखा कि ये देखिए इतने सारे गंदगी सब भरे पड़े हुए थे वहाँ पर, ये सब छोड़ के चले गए, इसको मुझे डिस्पोज करने के लिए अलग से पैसे देने पड़े। ये देखिए
कितनी गंदगी ऐसे ऊपर में बंक के ऊपर ये लोग रख के चले गए। तो इस तरह के लोग होते हैं दुनिया में, जो लोग दूसरों को चीट करते हैं और ऐसे करके गंदगी फैलाते हैं, खुद की गंदगी दूसरों के ऊपर थोप के चले जाते हैं। ये सब देखिए बहुत मतलब हैरेसमेंट कितना ज़्यादा हम लोगों को होती है। और दोबारा जब मैंने कलर कराया अभी पूरा फ्लैट का, तो बंक के ऊपर को भी मैंने कलर कराया। और जब फिर भी जब वो लोग आए वापस, मेरा एक फ़ैन गलती से उन लोगों के साथ चला गया था, वो वापस देने आया, तो मैंने सब दिखाया, देखिए आपने ऐसा ऐसा किया है, तो मुझे ये सारे पैसे चाहिए। तो देखा गया कि 11,500 उस दिन बोला गया। लास्ट में प्लम्बर ने भी और भी कुछ ऐड किया, 6,000 रुपये और भी लगे मेरा वो पैन चेंज करने के लिए। तो टोटल इन लोगों की वजह से खर्चा जो होता है ऑलमोस्ट 30,000 ऐसा होता है। तो आधा पैसा अगर मैं इन लोगों से लेती हूँ तो 14,500 रुपये ऐसे बनता था उन लोगों से। उन्होंने मुझे बोला कि हम 7-8 दिन में आपको पैसा लौटा देंगे जो लगे हैं। उन्होंने माना भी कि हाँ ये ऐसा हुआ, लेकिन वो पैसे दिए नहीं। उसके बाद 7-8 दिन के बाद मुझे कुछ दिन घुमाए, मेरा जब सैलरी होगा तब देंगे, फिर बोला 1-2 दिन में दे देंगे, ऐसे करते करके परसों मुझे बोला, मैंने जब पूछा मतलब लास्ट डे था, बोला था कि देंगे, तब नहीं दिया। तो जब मैंने कॉल किया फ़ोन नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो मैं समझ गई कि ये मेरा पैसा ये लोग चीट कर लिए, मेरे फ्लैट को डैमेज पहुँचा है और उसका भरपाई उन्होंने नहीं किया, चले गए। मुझे पता है वो, मैं फिर भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन शायद मैं नहीं करूँगी, क्योंकि पता नहीं मेरी ऐसे लोगों के साथ मुंह मारने का भी अभी मन नहीं करता। और सच बात यह है कि जो ये पैसे हैं ना, मैं तो सब पैसे डॉगी लोगों पे खर्चा कर देती, इसीलिए मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहता भी नहीं है। तो जब फ्लैट के सब के लिए पैसे की ज़रूरत हुई, तो मैंने मेरे हस्बैंड से मैंने पैसे उधार लिए, 15,000 रुपये मैंने मेरे हस्बैंड से उधार लिए, और कुछ जो पैसे मेरे अकाउंट्स में थे वो दे के मैंने फ़्लैट को रेनोवेशन कराया, और कुछ पैसे वो जो नया एक किराएदार आए उनसे, वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वो दिए, उनसे भी कुछ पैसे दिए, और कुछ पैसे मेरे घर के बच्चे के ये जो खाना पीना में दवाई में भी खर्चा हो जाता है, खर्चा भी होता है कि चला जा रहा है। तो मेरे अकाउंट्स की हालत अभी बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि जब पुराना जो किराएदार था वो अगर जब पैसा मुझे लौटा देगा तो वो पैसे मेरे हस्बैंड को मैं लौटा दूँगी, वो मैं लौटा नहीं पाई। और ऊपर से मेरे जो बच्चे हैं उनको डॉक्टर बोला कि उसको फिर से बेड के पास, बेड ने बोला कि लेके जाना है, प्लस इन लोगों के लिए चावल खरीदना है, दवाई खरीदनी है, तो इनके पैसे बहुत मुश्किल हो रही है चलाना। तो सच बात ये है कि जो पैसे उन्होंने मेरे से चीट किया है, वो पैसा मेरे बच्चे लोगों का था, इन लोगों का था। मैं अपने लिए ज़्यादा खर्चा करती नहीं हूँ, जो भी करती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे प्रोवाइड करते हैं, जितना भी उसी में मैं खुश रहती हूँ। खुद मैं कार में भी मैं नहीं चढ़ती, आप लोगों ने देखा है जब डॉगी को लेके जाती हूँ तब भी मैं कार को हायर करती हूँ, मेरा जो कार है उसके लिए मैं ड्राइवर हायर करती हूँ, नहीं तो मैं अपने लिए मैं चढ़ती भी नहीं हूँ, मैं बस ट्रम पैदल ही चलती हूँ, पब्लिक व्हीकल मैं यूज़ करती हूँ। बहुत एक साल हो गया ये जब बच्चे आए, मैं कहीं घूमने भी मैंने नहीं, यहीं जाती हूँ, ताकि मैं, क्योंकि घर में अभी 7 डॉगी है तो मैं कहाँ घूमने जाऊँगी, इन लोगों को छोड़ के किसके हवाले मैं छोड़ के जाऊँगी, और इन लोगों को कोई क्रेच में डालूँ या कोई इन लोगों के लिए अलग से आदमी रखूँ इसकी देखभाल के लिए, वो भी पैसे मेरे पास नहीं होते, क्योंकि जो भी पैसे आते हैं सारा इन लोगों के ट्रीटमेंट और इन लोगों का खाना में ही खर्चा हो जाता है। तो मैंने देखा है यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स पे लोग डॉग के बिज़नेस करते हैं, अपना खुद का दुकान है, डॉग बिज़नेस है साथ में, लेकिन मेरा ना ही मेरा कोई बिज़नेस है और मैं जानवरों से मैं बिज़नेस करना भी नहीं चाहती, इससे कुछ भी हो जाए ये मेरा प्रिंसिपल के खिलाफ है। बोलो
डॉग का बिजनेस का मतलब है कि फीमेल डॉग को बार बार प्रेग्नेंट कराओ, उसके बच्चे को बेचो, जो कि मेरे लिए क्रुएल्टी के समान ही है। और ये जब भी पैसे का मैटर आ जाता है किसी भी जानवरों के साथ, तो क्रुएल्टी अपने आप ही आ जाती है, तो वो काम मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं क्रेश खोल सकती थी, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे क्रेश खोलने के लिए। तो मेरे पास अभी कोई, सच्ची बोलूँ तो कोई साधन का जरिया, तो कोई जतन का जरिया ही नहीं है जिनसे मैं कुछ कमाई कर सकूँ और इन लोगों को मैं चला सकूँ। तो सिर्फ ये मेरे पापा का फ्लैट ही मेरा आखिरी भरोसा है, जिसके भरोसे मैं इन लोगों को चला रही हूँ। तो वहीं पे भी अगर कोई चीट कर लेता है ना, बहुत बुरा लगता है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन ये भी सच है कि मेरे बच्चों का पैसा जिसने मारा है, बच्चों के पेट में जिसने लात मारी है, उसका कभी भला हो भी नहीं सकता। भगवान इसका विचार करेंगे। तो ये मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत मानती हूँ। उन्होंने बोला था कि इंसानों से भरोसा कभी उठाना नहीं चाहिए, भी इंसानों पे भरोसा करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत पहले भी बहुत बार मैं इंसानों को भरोसा करके मैं ठग चुकी हूँ, फिर भी मैंने भरोसा करती हूँ कि अच्छे व्यवहार जब करते हैं, कोई अच्छे शरीफ लोग लगते हैं, तो मैं कर लेती हूँ भरोसा। लेकिन शरीफों के वेश में भी लोग बहुत ही घटिया होते हैं, बहुत मतलब सच बोलूँ तो मतलब लोगों में बिल्कुल भी ज़मीर नहीं है, कुछ भी जो क्या बोलते हैं मूल्य बोध, हम लोग बंगाली में बोलते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्टवर्दी नहीं है इंसान ज़्यादातर। कुछ लोग ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि उन लोगों से शायद मेरा मुलाकात बहुत कम होती है। एक दो है लेकिन बहुत कम होती है। और समाज में ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं जो कि शरीफ दिखते तो है पर असल में बिल्कुल नहीं होते हैं, शरीफ नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। गलती मेरी भी है, मैंने भरोसा किया, मैं उनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा कर लिया, मीठी मीठी बातों पे ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। और तो उसके लिए अभी मेरे बच्चे भुगत रहे हैं, मुझे भी बहुत, अभी मेरे लिए ये 14,500 रुपये बहुत मायने रखता है मेरे बच्चों के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, अभी ऐसे ही चलना होगा। नया किराएदार आए हैं इस बार, और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। देखते हैं कितना हो सकता है, कितनी मेरी किस्मत भी है कुछ हद तक, वो भी कितना मेरा साथ देता है। तो आज का वीडियो में यही मैं बोलना चाहती थी, यही शेयर करना चाहती थी। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा भी या नहीं, क्या पता, शायद मुझे भी आप लोग विश्वास ना भी कर सकते हो, मैं भी झूठ बोल सकती हूँ, ऐसे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग इंटरनेट पे सच ही बोलते हैं या नहीं, जो भी हो, लेकिन सच यही है, भगवान जानता है, मैं जानती हूँ सच यही है। और बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो कोई भी देख रहे हो, थोड़ी सी लोगों पे विश्वास करने से पहले प्रैक्टिकल हो जाओ, इमोशन पे मत चला करो, दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। वीडियो इसलिए बनाया है कि ताकि जो हुआ मेरे साथ घटना, इसका एक एविडेंस रह जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन का मेमोरी भी ज़्यादा नहीं है, मैं वीडियो ज़्यादा दिन तक मैं रख भी नहीं सकती, मेरे मेमोरीज खराब मतलब भर जाते हैं, मैं डिलीट कर देती हूँ वीडियोज़। तो इंटरनेट पे रहेगा तो ये किस्सा बन के कम से कम रह जाएगा इंटरनेट पे कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। और ये घटना बहुत एक टीचिंग है दूसरे लोगों के लिए और मेरे लिए भी, तो इसीलिए शेयर किया। अगले व्लॉग में मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, मैं डॉगीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग पसंद आए, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मेरे वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पसंद नहीं आए तो अगला वीडियो ज़रूर देख लेना, वो डॉग के रिलेटेड ही आएंगे ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय, जय हिंद।